नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हमारा डेरिवेटिव चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट है। तो इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ओके, तो देखो जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने के हमारे पास दो मैथड्स हैं। एक तो चेन रूल है, ठीक, और सेकेंड क्या है, डायरेक्ट। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, मैं आपको चेन रूल भी बताऊंगी और डायरेक्ट भी बताऊंगी। वैसे डायरेक्ट आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों बता दूंगी, आपको जो ईजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे रेज टू में आ जाएगा 5, ठीक है, x प्लस वन रेज टू 5, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको चेन रूल बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वन रेज टू 5, अगर आपके पास x रेज टू 5 होता तो इसको आप बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, x प्लस वन रेज टू 5, इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया है क्या? नहीं बताया। तो ऐसे ही जो फंक्शंस होते हैं ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, मतलब जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, ठीक है, उसे आपको अज्यूम करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो x प्लस वन है ना, इसको मैं अज्यूम करूँगी, देखो u यहाँ पर लिखना, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, समझ में आ रहा है। x प्लस वन को मैंने क्या समझा कि ये क्या है, u है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर u कैसे आया, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट किसको कर रही हूँ, u को कर रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पर डी यू आएगा, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x, फिर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब 1, डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया, 1 आया, क्लियर। अब उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रेज टू 5, तो x प्लस वन को मैंने क्या कंसिडर किया है, u कंसिडर किया है, मतलब इसके प्लेस पर मैं u लिख सकती हूँ, राइट, रेज टू 5। अब u रेज टू 5 को क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर लिखना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा यहाँ पर, x आएगा क्या, नहीं x नहीं आएगा, क्या आएगा, u आएगा, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ये किस फॉर्म में है, u के फॉर्म में है ना, इसलिए यहाँ पर u आएगा, ठीक। अब dy बाय यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा, नहीं नहीं यहाँ पर तो u आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर u आएगा, इज इक्वल टू d अपॉन डी यू ब्रैकेट में u रेज टू 5, तो यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, u रेज टू 4, क्लियर। तो ये आ गया आपका dy बाय du, देखो du अपॉन dx आया, dy अपॉन du आया। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है बाय चेन रूल, तो चेन रूल से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स हम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इन टू डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, कितना आया है, 1, इन टू डी वाई बाय डी यू कितना आया है, 5 यू रेज टू 4। अब यहाँ पर देखना डी यू डी यू दोनों हो जाएंगे कैंसल, डी वाई बाय डी एक्स आएगा, राइट। अब उसके बाद इज इक्वल टू 1 इंटू 5 यू रेज टू 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 यू रेज टू 4। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपका फाइनल आंसर क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, यू को हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स प्लस वन, तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वन रेज टू 4, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसको हमने चेन रूल से सॉल्व किया, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रेज टू 5, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। इसमें आपको dy बाई dx निकालना है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन रेज टू फाइव, यहाँ पे वन है, हाँ मैंने नहीं लिखा था, एक्स प्लस वन रेज टू फाइव। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, एक्स प्लस वन रेज टू फाइव, इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया है क्या? नहीं बताया, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो अब आप क्या करोगे, तो ये जो x प्लस वन है ना, इसको आप ऐसे समझो कि ये आपका क्या है x, अगर यहाँ पे x होता, x रेज टू फाइव होता, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करके, बट आपके पास क्या है x प्लस वन है, तो ये जो x प्लस वन है ना, इसको मैं ऐसे समझूंगी कि ये क्या है x है, ठीक। तो मैंने इसको x समझ लिया, तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस वन रेज टू फोर, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि देखो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है, तो यहाँ पर n आगे आ गया, फिर हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं, तो ये क्या है मेरा x है, मैंने ऐसा अज्यूम किया, ठीक है, तो ये मेरा x है, फिर रेज टू फाइव माइनस वन कितना आ जाएगा, फोर। अब क्या होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, तो मैं क्या करूँगी, जिसको मैंने x अज्यूम किया था ना, उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, ठीक है, जिसको भी आप x अज्यूम कर रहे हो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे, फाइव एक्स प्लस वन रेज टू फोर, फिर x का डेरिवेटिव वन होता है और वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, राइट। अब फाइव वन प्लस जीरो वन मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन रेज टू फोर, ये क्या मेरा आ गया dy वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो अब यहाँ पर देखो, दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें भी आंसर यही आया है और इसमें भी आंसर यही आया है, तो आप चेन रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ना डायरेक्टली ही करना, क्योंकि देखो जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे कितने कम स्टेप्स हैं, लेकिन जब हमने चेन रूल से किया तो हमारे स्टेप क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली ही आपको ईजी पड़ेगा, वैसे आपकी मर्जी, तो अगर आपको इसे कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू टेन, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, आपको y को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो चलो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए आप ना चेन रूल से भी इसको कर सकते हो, चेन रूल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को u अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ, आप बस ध्यान दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू टेन, ठीक। अब देखो क्या मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू टेन इसका कोई फॉर्मूला बताया है क्या, नहीं बताया है, मैंने आपको एक्स रेज टू एन का बताया है कि अगर एक्स रेज टू एन रहता है तो उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, राइट, ये बताया मैंने। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू टेन, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे क्या x, इसको हम कंसिडर करेंगे x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 10 आगे आ जाएगा, x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू क्या होगा 9, क्योंकि 10 माइनस वन क्या होता है 9। अब मैंने जिसको x अज्यूम किया था, मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू 9। अब देखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, मतलब 10 एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू 9, 2x प्लस 0 कितना आ गया 2x, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 टू ज़ा 20x, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू 9,
तो ये क्या आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 द होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसी के जैसा ही है, जैसे हमने इसको किया था ना वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका 3x प्लस 5 द होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने आपको x रेज टू n का फॉर्मूला बताया है। तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, x, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 5 द होल स्क्वायर, ओके। अब इस पूरे को हम क्या समझ रहे हैं, x समझ रहे हैं। तो ये क्या है, x स्क्वायर है, राइट। तो इसमें क्या होता है, 2 आगे आ जाता है, फिर x लिखते हैं, तो x के प्लेस पर हम लिखेंगे 3x प्लस 5, फिर पावर क्या आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमने x अज्यूम किया था उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 5, समझ में आया, 2 3x प्लस 5। यहाँ पर देखना 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, कैसे, 3 को बाहर कर देंगे, 3 को बाहर लिखा, x का डेरिवेटिव 1, 3 वन जा 3 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखिए, 3 प्लस 0 3, 3 टू जा 6, 6 3x प्लस 5। तो ये क्या हो गया आपका dy बाई डी एक्स। तो ये मिल गया आपको आंसर, ओके। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप कैसे करेंगे सोचिए, इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया क्या, मैंने आपको बोला था कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, लेकिन cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको कुछ बताया है, नहीं बताया है। तो अब आप क्या करोगे, चलो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू, ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, cos x और इसका स्क्वायर, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि ना इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। जब ब्रैकेट यहाँ से हटेगा ना तो फिर से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, समझ में आया आपको। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है cos x और इसका स्क्वायर। तो मैंने आपको इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने आपको बस cos x का फॉर्मूला बताया है कि अगर cos x है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, लेकिन cos x और उसका स्क्वायर नहीं बताया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो मेरा है ना cos x, इसको मैं समझूंगी कि ये क्या है x, तब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें आता है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसको लिखूंगी d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक। अब मैं इस पूरे को समझूंगी x, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2, और फिर ये मेरा x है ना, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगी cos x, या फिर ब्रैकेट में आप मत लिखो 2 cos x, पावर क्या आएगा 1, तो 1 को नहीं लिखना, ठीक है। अब मैंने जिसको x समझा था उसको मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स 2 cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी माइनस साइन x, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, माइनस साइन x इंटू 2 cos x, क्या मिलेगा आपको माइनस 2 साइन x इंटू cos x, राइट। अब 2 साइन x इंटू cos x इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2x, यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, dy अपॉन dx आपको मिल गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं आपको ये जो भी फॉर्मूले बता रही हूँ ना, आप उनको कहीं पे तो लिख के रखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है
साइन 2x होता है, तो आप इसको लिख करके रखिए। वैसे ये मैं आपको आगे जो भी फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है लेकिन आप भूल गए होंगे, तो आप उनको लिख करके रख सकते हो और एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पढ़ करके जाना। जैसे मैंने आपको पहले क्या बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। वैसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको याद कर लिया ना, तो इसी से ये वाला डिराइव हुआ है। कैसे, देखो हमने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर एक्स को उधर कर दिया, तो ये इधर प्लस में, जब उधर गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप अभी, मैंने अभी तक आपको बस दो ही बताए हैं, मतलब दो ही फॉर्मूले बताए हैं, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो आप इन दोनों को कहीं पे तो लिख करके रख लो, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ करके जाना। तो यहाँ पर हमने 3 सम्स किए, तो आप इनको कॉपी कर लो, फिर हम कुछ और सम्स करेंगे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स और इसका क्यूब, है ना, ऐसे करके मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिफरेंशिएट करूँगी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का पावर क्यूब, ओके। अब साइन एक्स और उसका क्यूब, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इस साइन एक्स को समझेंगे, क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स और इसका पावर क्या, 3, मतलब क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स को लिखेंगे, एक्स मतलब साइन एक्स और इसका पावर क्या आएगा, 2, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आता है, राइट। अब जिसको आपने एक्स अज्यूम किया था, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और फिर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, साइन एक्स। अब 3 साइन एक्स स्क्वायर, अब देखना साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 साइन स्क्वायर एक्स, देखो हम ये ना ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नाउ नेक्स्ट वन क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। तो ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिखना साइन 2x प्लस 1, राइट। अब आप ध्यान दो, मैंने आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया है कि अगर साइन एक्स रहता है तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन क्या मैंने आपको साइन 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बताया है, नहीं बताया है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट में है ना 2x प्लस 1, इसको आप समझो कि ये आपका क्या है, x है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये है आपका साइन और ये है आपका x, साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x। फिर जिसको आपने x अज्यूम किया था, उस फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो हमने उसको लिख दिया, फिर कॉस 2x प्लस 1, अभी 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 1 का 0 होगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 प्लस 0 कितना होगा, 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो ये क्या मिला आपको, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको आप कैसे करोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिख देना साइन इनवर्स रूट एक्स। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंने आपको साइन इनवर्स रूट एक्स के लिए कोई फॉर्मूला दिया है कि साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है? नहीं, मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो रूट एक्स है। तो अब आप क्या करोगे, तो आप इस रूट एक्स को कंसिडर करोगे क्या एक्स, आप ऐसे समझो कि ये आपका क्या है एक्स है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स को हम समझेंगे कि ये क्या है एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स को हम क्या समझ रहे हैं रूट एक्स, राइट? तो क्या होगा एक्स के प्लेस पर रूट एक्स और इसका स्क्वायर, क्योंकि क्या आता है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पर क्या है रूट एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर? अब जिसको हमने एक्स अज्यूम किया था उसे हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस क्या आएगा, देखो स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसल, यहाँ पर आ गया एक्स, ठीक, इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है याद करिए वन अपॉन टू रूट एक्स। तो चलो मैं लिख देती हूँ वन अपॉन टू रूट एक्स। तो अब क्या होगा एकदम ध्यान से समझना, इजी है, ठीक है? तो देखो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो वन वन जा वन लिख दिया मैंने, अब हम क्या करेंगे, तो टू है ना, तो टू को आप इधर लिख दो, ये देखो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो आप क्या करोगे वन माइनस एक्स इंटू एक्स करना है आपको, वन माइनस एक्स इंटू एक्स करना है। तो देखो वन अपॉन टू, ये देखो x इंटू वन करेंगे तो x आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? तो ये क्या आ गया आपका dy वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पर हमने सिक्स वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ये है इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, y इज इक्वल टू टू रेज टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, तो इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो देखो यहाँ पर लिखना कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हम ना सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिखना टू रेज टू एक्स, क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस लिख दिया मैंने, फिर d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस थ्री एक्स, राइट? अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a रेज टू x वाला, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू x log a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू रेज टू एक्स लॉग टू, क्लियर? यहाँ पर क्या है प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर क्या है कॉस थ्री एक्स, तो कॉस थ्री एक्स का मैंने आपको कोई डेरिवेटिव बताया है क्या? नहीं बताया। मैंने आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताया था कि अगर कॉस एक्स रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस थ्री एक्स का तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, तो इस 3x को आप समझो कि ये आपका क्या है x है, तो क्या हो जाएगा cos x, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो x को हम क्या समझ रहे हैं 3x, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3x। अब जिसको हमने x समझा था उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 3x, ठीक। अब 2x इंटू लॉग 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस साइन 3x, अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। अब उसके बाद 2 रेज टू एक्स लॉग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 साइन 3x, राइट? इसके आगे हम इसको कर सकते हैं क्या, सोचिए, इसके आगे इसको नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स, ओके?
तो यहाँ पर हमने सेवेंथ वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू 3x इंटू साइन 2x, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देखना, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू 3x को हम लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, देखो फर्स्ट वाले को हमने लिख दिया, अब डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड वाले को, तो साइन 2x फिर क्या आता है, प्लस आता है, एंड देन सेकेंड, फिर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाला क्या है, e रेज टू 3x, क्लियर, ये 3 है। अब देखिए यहाँ पर e रेज टू 3x मैंने लिख दिया, अब यहाँ पर आप ध्यान देना साइन 2x, तो साइन 2x का मैंने आपको डेरिवेटिव नहीं बताया, तो आप क्या करोगे, इस 2x को समझोगे x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए, हमने जिसको x समझा था उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स 2x लिख दिया, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस, अब साइन 2x लिख दिया, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x होता है, राइट, यहाँ पर क्या है e रेज टू 3x है, तो अब आप क्या करोगे, 3x को समझोगे क्या x, तो क्या हो जाएगा e रेज टू 3x। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमने x समझा था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर e रेज टू 3x इंटू कॉस 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, फिर प्लस साइन 2x e रेज टू 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो देखो 2 इंटू दिस, तो क्या मिलेगा हमें 2 e रेज टू 3x, फिर cos 2x प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका भी, तो 3 साइन 2x, फिर e रेज टू 3x, राइट। अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो इसमें हम e रेज टू 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो देखो e रेज टू 3x को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 cos 2x प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 3 साइन 2x, तो ये मुझे क्या मिला dy वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमने 8th से सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर। अब यहाँ पर नेक्स्ट सम नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आपको थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि हाँ ये बड़ा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आप इसे डरना मत और डर करके छोड़ मत देना, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ सम है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करना है, इजी है, मैं आपको बताती हूँ, एक काम करते हैं, इस सम को ना यहाँ पे करते हैं, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, फिर मैं वो वाला आपको बताती हूँ। चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ 9th वाला सम, क्वेश्चन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू x रेज टू 2a माइनस 2a रेज टू 2a प्लस a रेज टू 2x प्लस 2x रेज टू 2a, ठीक, दिस इज माई क्वेश्चन, मुझे इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स मैंने लिखा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लिखेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो क्या होगा d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा x रेज टू 2a, देखो मैं इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस, अब d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा ये,
टू ए रेज टू टू ए, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो मैंने लिखा प्लस, अब डिफरेंशिएट करूँगी मैं ए रेज टू टू एक्स को, फिर प्लस, अब टू एक्स रेज टू टू ए आएगा, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में आएगा टू एक्स रेज टू टू ए, ठीक। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट किया, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या था, एक्स रेस टू टू है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स, फिर ये ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। वैसे ही मैंने हर एक टर्म को लिखा है, आप देख सकते हो, तो इतने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते जाना, क्या यहाँ पर एक्स रेस टू टू ए, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स रेस टू एन का, राइट। तो टू ए आगे आ जाएगा, फिर क्या आएगा, x आएगा, और इसका पावर क्या होगा, 2a माइनस वन, राइट। समझ में आ गया आपको इतना। चलो अब आगे देखो, माइनस यहाँ पर क्या है, 2a रेज टू 2a, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। अब आप बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है 2a, a का मतलब क्या, कोई भी एक नंबर, ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज़ीरो, क्लियर। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखा, क्या है ए रेज टू टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कोई नंबर है और ऊपर क्या है, वेरिएबल एक्स, राइट। तो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए, राइट। तो यहाँ पर देखो a रेज टू 2x है, यहाँ पे x नहीं है, मतलब इसका पावर x नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये 2x क्या है, x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a रेज टू 2x log a। अब जिसको हमने x अज्यूम किया था उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, समझ में आ रहा है आपको, 2x को हमने क्या समझा था, x समझा था, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या है 2x रेज टू 2a, तो देखो यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद से वेरिएबल है, तो 2 को हम पहले लिख देंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, x रेज टू 2a को, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा देखते जाना बस आप, 2 ए एक्स रेज टू टू ए माइनस वन, ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, प्लस ए रेज टू टू एक्स लॉग ए, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू होगा, फिर प्लस टू, यहाँ पर देखो एक्स रेज टू टू ए का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि टू ए आगे आ जाएगा, फिर एक्स और पावर क्या हो जाएगा, टू ए माइनस वन, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2a x रेज टू 2a माइनस वन, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a रेज टू 2x log a, यहाँ पर क्या है 2, तो मैंने लिख दिया 2, प्लस यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 है, ठीक है, ये क्या है इंटू, तो 2 टू ज़ा 4 a x रेज टू 2a माइनस वन। अब आप सोचिए आगे क्या आप इसको कर सकते हो, तो अभी इसको हम आगे तो नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जो कि बहुत ही इजी था, है ना, इजी था कि नहीं, बस आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के जो मैंने लिस्ट दिए हैं ना वो आने चाहिए, वो पूरा के पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको कुछ और सम्स देती हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, चलो मैं एक सम आपको देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना, समझ लो ये आपका होमवर्क है। वैसे मैंने जितने यहाँ पर सम्स करवाए हैं ना, आप उनकी प्रैक्टिस तो एकदम अच्छे से करिएगा, और ये भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन 2x, तो इसको आप कैसे करोगे, हमारे पास रूट साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आप पूरे को समझना, क्या समझोगे x,
मतलब साइन 2x को आप क्या समझोगे कि ये क्या है आपका x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको आता है, राइट। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना अपनी नोटबुक में तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा मैं आपको देती हूँ। चलो एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इजी है बट आपको थोड़ा लगेगा कि हार्ड क्वेश्चन मैंने दिया है, बट इतना हार्ड नहीं है। कैसे करना है आपको, देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है x इंटू दिस, तो देखो यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, राइट। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या करोगे, इस पूरे को आप समझना कि ये आपका क्या है एक्स है, ठीक। फिर उसके बाद आप इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करना, लेकिन कब ट्राई करना, मैंने आपको पिछले जो भी क्वेश्चंस बताए वो सारे जब आपको आ जाए तब इन पे पहुंचना, नहीं तो मत पहुंचना। जितना मैंने कराया है उतना ही करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।